प्रेगनेंसी पहली बार हो या फिर दूसरी बार हो, हर कोई यह चाहता है कि मेरा पहला बच्चा जो है ना लड़का पैदा हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, किसी को पहली बच्चा लड़का होता है, किसी का पहली बच्चा जो है ना लड़की होती है। अच्छा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनके मन में ये एक सवाल एकदम जम के मतलब जो है ना घर कर लेता है पूरा 9 महीना तक। वो ये है कि मेरा बेबी जो है ना राइट साइड घूम रहा है, तो मुझे क्या लड़का होगा या फिर लड़की, या फिर मेरा बेबी किस तरफ घूम रहा है, मतलब ये नोटिस करती रहती है कि राइट में है लेफ्ट में है। तो इस वीडियो में मैं आप सबसे यही डिटेल्स में बात करूंगी कि बेबी बॉय पेट के किस साइड में रहता है, यानी कि गर्भ में लड़का राइट साइड में रहता है या फिर लेफ्ट साइड में रहता है। तो इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, और मैं इसी के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा बेबी बॉय के टाइम और मेरा बेबी गर्ल के टाइम वो भी बताऊंगी कि मेरे बेबी गर्ल पेट के किस साइड में रहती थी और बेबी बॉय मेरा किस तरफ रहता था, इसके बारे में बात करेंगे। और ये कितने परसेंट इसमें सच्चाई है कि बेबी का जो पोजीशन है उससे आप जेंडर का जो है ना पता लगा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ यास्मीन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यास्मीन लाइफ स्टाइल पर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो आप सबको मिलती रहेगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं, जैसे कि पूरे 9 महीना जब आपकी प्रेगनेंसी चलती है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आप लेफ़्ट में करवट लेके सोती है तो आपको अच्छा लगता है, या फिर जिस जिस साइड में आप करवट लेके सोना पसंद करती है आपको कंफर्ट महसूस होता है आप उसी तरीके से लेटती है ना। जैसे मेरे बेटे के टाइम पे मैं लेफ़्ट में ज़्यादा सोती थी, मुझे अच्छा लगता था। किसी किसी को राइट में सोना पसंद होता है। सेम उसी तरीके से जब हम कंफर्ट जिस पोजीशन में फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, उस पोजीशन में हम क्या करते हैं, सोते हैं, लेट जाते हैं। सेम उसी तरह आपका पेट में जो बेबी है उसको भी, अगर उसको राइट साइड में पेट के आपके पेट के राइट साइड में जगह मिल गया तो वो वहीं पर लेटेगा। अगर उसको लेफ्ट में जगह मिल गया तो वहीं पर सोएगा, ठीक है। अगर नीचे के साइड में जगह मिल गया तो नीचे, ऊपर के साइड में जगह मिल गया तो ऊपर। तो इस तरीके से वो भी अपने पेट में जहाँ पर उसका कंफर्ट फील होगा वहाँ पर वो लेटेगा। ये राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अच्छा, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड, क्या ये दर्शाता है कि आपका आने वाला बेबी बॉय है या फिर गर्ल है? देखिए, इसमें कुछ लोग तो ये बताते हैं अगर आपका बेबी पेट के राइट साइड में है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, अगर वही दूसरा देखा जाए तो लेफ्ट साइड में बेबी है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो ये बात मेरे लिए सच हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये जो है ना सच होगा। मेरे बेबी बॉय जो है ना राइट में ही रहता था, लेफ्ट में वो कभी हलचल उसका महसूस नहीं हुआ, लेफ्ट साइड में कभी नहीं रहता था। लेकिन मेरी जो लड़की है वो पूरे पेट में घूमती थी, पूरा पेट में मुझे फील होता था कि बेबी है। तो ये एक बात है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं बताऊँ कि ये जो पोजिशन चेंज या फिर स्लीपिंग पोजिशन, तो ये सब जो है ना जेंडर का कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। ये जो थोड़ा आइडिया करके गेस करके बताते हैं तो वो कभी कभार सच हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूँगी राइट साइड में ही बेटा रहता है तो ये गलत होगा, क्योंकि ये कमेंट देखिए स्क्रीन पर, ये मेरे एक फ्रेंड्स ने ही ये कॉमेंट्स किया था मेरे वीडियो पर। उनका राइट साइड में ही बच्चा था लेकिन उनको बेबी गर्ल पैदा हुई। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सब भी ना अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि ये जो सिम्टम्स के बारे में बात होती है बेबी बॉय के, तो क्या सबके साथ सच हो रहा है, वह कितने प्रतिशत ये सच माना जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर वो चीज़ तो क्लियर हो गई। अब दूसरा हम आपको ये बताते हैं, जैसे पेट में जब बेबी आता है पूरे 9 महीने में, तो वो बेबी या तो लड़की होगी या फिर लड़का, इनमें से कोई भी एक ही तो होगा ही है ना। अच्छा, अगर लड़का है तो वो क्या ये सोच के राइट में लेटेगा कि मैं लड़का हूँ तो मुझे राइट साइड में रहना चाहिए, नहीं तो मेरे मम्मी परेशान हो जाएगी कि अरे मेरा बच्चा लेफ्ट में क्यों है, राइट में क्यों नहीं, तो फिर अगर लेफ्ट में है तो वो लड़की होगी, ये सोच के ये जो 9 महीना है ना प्रेग्नेंट महिला जो है ना एकदम मतलब टेंशन में गुजरती है।
अगर आपके पेट में बेबी गर्ल है तो वो ये सोच के लेफ्ट में लेटेगी कि मैं बेबी गर्ल हूँ तो मुझे लेफ्ट में रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो बातें हैं कि राइट साइड में ज़्यादातर जो है ना लड़का रहता है, ये सब लोग कहते हैं और ये 90% सच भी होते हैं, क्योंकि राइट साइड में ही ज़्यादातर जिसको बेबी बॉय हुआ है ना उनसे पूछो तो वो यही बताती है कि मेरा बेबी जो है ना राइट साइड में था। बहुत कम लोगों को ऐसे सुना है कि लेफ्ट साइड में उनका बेबी था, मतलब बेबी बॉय था। तो ये एक बात होती है, तो ऐसे मेरे टाइम पे भी सच हुआ, ऐसे किसी और के टाइम पे भी सच हुआ। और ये जो मैंने कमेंट अभी दिखाया, इनको देखो राइट साइड में बेबी गर्ल थी। तो इस तरीके से चेंजेस जो है ना होते रहते हैं। तो इसमें एक मेन टॉपिक पे मैं जब से ये वीडियो बनाना मैंने शुरू किया, मैं तो यही बोलती हूँ, टेंशन में मैं भी बहुत रात दिन गुजारी थी। रात को मैं वीडियो देखती थी, दिन में देखती थी, और ये सोचती थी बस कोई ऐसा एक वीडियो मिल जाए यूट्यूब पर जिससे कि ये पता लग जाए सिम्टम्स को लेकर कि हाँ मुझे बेबी बॉय होने वाला, क्योंकि मेरे दो बेटी पहले से, तो जाहिर सी बात है तीसरी बार मैं फिर बेटी नहीं चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा हो जाए। तो ऐसे बहुत से लेडीज़ है जिनके पहले बेबी गर्ल है या फिर सेकंड बेबी भी गर्ल है, तो वो उसके बाद नेक्स्ट बेबी तो बॉय चाहेगी ना, तो इस तरीके से वो वीडियो देखती है। लेकिन देखिए कोई भी सिम्टम्स अपने ऊपर 100% मत आजमाइए। किसी किसी को बेबी गर्ल वाला सिम्टम्स रहता है फिर भी उनको बेबी बॉय हो जाता है, किस्मत की बात है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होने वाला है, ठीक है। अब जैसे आपका पेट में जो बेबी है बन चुका है, बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। बट ये एक बात ये होती है कि एक इच्छा होती है कि अगर पता लग जाए पहले से तो उसके लिए शॉपिंग करना, रूम को डेकोरेट करना या फिर नाम चूज करके रखना, ये सब बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैंने भी खुद अपने मर्जी से मतलब पसंद करके नाम रखा था, अगर बेबी बॉय होगा तो ये नाम रखेंगे, बेबी गर्ल होगी तो ये नाम रखेंगे। तो ऐसे सब के साथ होता है, और ख़ास करके जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनके तो मन में और भी ज़्यादा जो है ना इस बात की खुशी रहती है। वो नाम भी चूज़ करके रख लेते हैं, कपड़े भी डबल डबल मंगा के रख लेते हैं, लड़का वाला लड़की वाले मतलब बहुत सारे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरा बेबी बॉय जो है ना राइट साइड में था पेट के, और बेबी गर्ल के टाइम पर मैंने ये नहीं बोलूँगी कि लेफ्ट साइड में थी, वो पूरे पेट में घूमती थी। पूरा 9 महीना तक मुझे ऐसा ही फील हुआ, मतलब पूरा पेट में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हलचल करती थी, और बेबी बॉय जो है ना थोड़ा कम हलचल करता था। तो ये हलचल के ऊपर भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल बटन का भी ऑन कर लेना मतलब ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो जो है देख पाएंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना।